हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल नंबर 2.2 की। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। मोलारिटी को हमें कैलकुलेट करना है और दो चीजें हमें ऑलरेडी दी है। बहुत ही इजी है ये एग्जांपल, और एमसीक्यू में या फिर 2 मार्क्स के अंदर शायद पूछा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली एमसीक्यू के लिए ये पूछा जाता है। तो बात करते हैं जो चीजें हमें दी है। फर्स्ट NaOH के लिए मास उसका दे दिया है हमें, तो मास ऑफ NaOH कितना दिया है, तो 5 ग्राम। 450 ml सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे दिया है, दैट इज 450 ml। मोलारिटी फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज मोल पर लीटर, यानी मोल चाहिए और पर लीटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है। यानी हमें फाइंड क्या करना है, NaOH के मोल्स, तो उसके लिए मोलर मास चाहिए। तो ढूंढ लेते हैं हम मोलर मास ऑफ NaOH। NaO और H का एटॉमिक मास साथ में ले ले तो 40 ग्राम पर मोल ये मिल चुका है हमें मोलर मास। अब आ चुका है मास एंड मोलर मास, तो मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ NaOH सीधा वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 5/40। कैलकुलेट करें हम तो 0.125 मोल ये मिल चुके हैं हमें मोल्स ऑफ NaOH। अब सीधे बात करते हैं मोलारिटी की। तो मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम जो लेना है वो हमें लीटर में लेना है। अब लीटर में चाहिए तो 450 ml है, उसे लीटर में लेने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यू यहाँ पे डाल दे दोनों की, मोल्स हमारे पास है 0.125, तो वैल्यू डाल देते हैं। कैलकुलेट कर ले तो बहुत ही इजीली हमें आंसर मिल जाता है, दैट इज 0.278 मोलर। तो ये मिल चुकी है हमने मोलारिटी। तो फिलहाल हमने देखा है एग्जाम्पल नंबर 2.2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके के और एक एग्जाम्पल के साथ।